नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार के दरभंगा में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मास्क ना पहनने वाले लोगों पर जिला अधिकारी व पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं कई जगहों पर सघन जांच अभियान भी चलाया गया है। देखिए, बिहार के दरभंगा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बिना मास्क पहनकर निकलने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, SP योगेंद्र कुमार, SDO राकेश गुप्ता और नगर आयुक्त घनश्याम मीणा के नेतृत्व में शहर के बाकरगंज होते हुए दरभंगा तक सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। दरभंगा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बिना मास्क पहनकर निकलने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन व नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार सड़कों पर उतरकर अनलॉक 2 के नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नोटिस चिपकाकर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं CTSP ने कहा कि मोटरसाइकिल के तहत बिना मास्क पहने 100 या 50 रुपए का चालान कटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। अपडेट के चलते हैं सर, हम लोग कानून का पालन करने वाले आदमी हैं। कानून का चलता है, फाइन काट रहे हैं सर। कानून का बोला नहीं, इसलिए काट रहे हैं आपका सर। आगे से मास्क लगाएंगे सर, कम से आगे से मास्क अभी खरीदेंगे और अभी लगाएंगे सर। अभी शहर में जो कोरोना का संक्रमण बढ़ते स्थिति को देखते हुए हम लोग कई टीम्स बनाए हुए हैं। जिले के सभी पदाधिकारी को, सभी अनुमंडल मुखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा उपदेश दिया गया है, जो मास्क नहीं पहनते हैं उनको 50 रुपये फाइन वसूलना है। जो प्रतिष्ठान मास्क का प्रयोग नहीं करते उनको प्रतिष्ठान को बंद कर रहा है। तो सर 54 प्रतिष्ठान विगत 3 दिनों को बंद किया गया, 19 वाहन जब्त किया गया, लगभग 1,00,000 का फाइन वसूला गया है। बहुत प्रकार का फाइन होती है, एक मास्क नहीं पहनने का 50 रुपया, और NBA एक्ट में अगर मास्क पहने बिना गाड़ी चलाएंगे तो सरकारी आदेश को उल्लंघन को देखते हुए NBA एक्ट का धारा 179 के तहत 2,000 तक फाइन देने के प्रावधान है। अपने अपने एरिया में चेक करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो गाड़ी वाले, जो प्रतिष्ठान और जो नागरिक मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको प्रेरित करेंगे मास्क पहने, और यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई भी करें। कार्रवाई करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट और कोविड रेगुलेशन के तहत 50 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। तो आज हम लोग भी शहर में निकले हुए हैं, जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, और जिन एरिया में हमें लगेगा कि रूल्स का वायलेशन हो रहा है वहाँ पर यदि आवश्यक होगा तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। बाकी जो पिछले दिनों में जो कार्रवाई हुई है, चालान कलेक्ट किया गया है, उन सभी की जानकारी आप लोग को डेली दी जाएगी। थाना अध्यक्ष को क्या निर्देश दिया गया है? निर्देश यही है, साफ है कि रोज दिन में 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अपने यहाँ रैंडमली जगह निर्धारित करके जो लोग वायलेशन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, यदि दुकानें हैं तो उनको बंद कराएं, यदि कोई गाड़ी है तो उसको जब्त करें, और यदि कोई व्यक्ति है तो 50 रुपये का जो जुर्माना निर्धारित किया गया उसको लगाएं। हम लोग डेली इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डेली जो आंकड़ा आ रहा है वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सर, देखा जा रहा है कि शहर के अंदर मास्क का पाबंदी, लेकिन बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, ये सब खास स्थानों पर मास्क का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसी का जायजा लेने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, और जो रेलवे स्टेशन के कंसर्न SSO है उनको भी निर्देश दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर खास किस्म से चौकसी बढ़ते, और हम लोग रेलवे प्रशासन को भी प्रेरित करेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको हम लोग मास्क प्रोवाइड करें और जरूरत पड़ेगी तो कार्रवाई भी करें। Thank you.